हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल MSG टेक में। और मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक छोटी ही जानकारी, क्यों आईफोन सबसे बेस्ट है और क्यों आईफोन को लोग सबसे ज़्यादा खरीदना पसंद करते हैं। और एक बात मैं आपको पहले बता दूँ कि जो ये 5S है, लुक बहुत अच्छी है इसकी, ग्रिप भी बहुत अच्छा है इस फ़ोन का। और जो आगे ये वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ वो इसी फ़ोन से शूट करूँगा, उसमें आप चेक कर सकते हो कि इसकी क्वालिटी कैसी है, वीडियो रिकॉर्डिंग की साउंड कैसी है, वो आपको पता लग जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं फिर आईफोन की खूबी। दोस्तों पहले मैं भी एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करता था, तो बात 2013 की है, उस टाइम आईफोन 5 और 5S लॉन्च हुए थे। तो मेरा ब्रदर 4 यूज़ करता था फ़ोन, आईफोन 4। तो जब मैं एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करता था तो वो मेरे को बोलते थे, भाई तेरा एंड्रॉयड तो कुछ भी नहीं है इसका। मैंने उसको ब्रदर को बोला, भाई ऐसा क्यों बोल रहा भाई तू? तो उन्होंने बोला कि भाई अगर आपने अगर एक बार आईफोन यूज़ भी कर लिया ना, तो आपको एंड्रॉयड फ़ोन चलाने में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा। तो मैंने कहा कि भाई आप तो यार पागल बना रहे हो, ऐसा थोड़ी ना होता कि भाई फ़ोन नहीं चलाने में मज़ा आएगा। तो उन्होंने मेरे को बोला कि मैं ना जब आईफोन 5 लूँगा तब आप मेरा आईफोन 4 चला के देखना। तो मैंने कहा चलो ठीक है, फिर मैं चला के देख लेता हूँ। तो तब 2014 में उनसे आईफोन 4 लिया और 2014 में उन्होंने आईफोन 5 लिया। तब मैंने उनका आईफोन 4 चला के देखा, तो वाकई में कोई आईफोन में कोई बात थी। उसको चलाने के बाद मैंने एंड्रॉयड फ़ोन आज तक ख़रीदा ही नहीं, उससे 2014 से लेकर मैं आईफोन ही यूज़ कर रहा हूँ, आज 2020 हो गए। और जो ये 5S है, ये ब्रदर ने 2015 में लिया था, वो आज मैं यूज़ कर रहा हूँ। आप इसी से अंदाज़ा लगा लो, अब मैं 5S में ही शूटिंग कर रहा हूँ फ़ोन, ये वीडियो की शूटिंग कर रहा हूँ। इसकी साउंड क्वालिटी भी आप चेक कर लेना बाद में, आपको कैसी लगी कैसी नहीं या कैसी लगे। अगर आप इसका कोई भी फ़ोन परचेज करते हो, SE ले लो या फिर 7 ले लो, 6S, बहुत सारे मॉडल हैं इसके, छोटे बेस मॉडल, तो आप इनको ना बिना रिप्लेस किए 2-3 साल आराम से चला देते। एक तरफ आप एंड्रॉयड फ़ोन को ले लो, उसको 2-3 साल चला के देखो, और आईफोन का मॉडल लेके देखो, छोटा मॉडल कोई भी 2-3 साल चला के देखो, आपको खुद भी खुद फर्क नज़र आ जाएगा, क्योंकि मैंने ये चीज़ यूज़ करके देखी है, इसलिए मैं आपको ये बातें बता रहा हूँ। तो इन्हीं वजह से मेरे को आईफोन पसंद है, क्योंकि लॉन्ग टर्म वाले फ़ोन है ये। तो दोस्तों मैं चलो आईफोन 7 के बारे में आपको बता देता हूँ, तो चलिए शुरू। ये है मेरा आईफोन 7, और जैसा कि मैंने आपको वीडियो में बताया कि भी इसमें ऐसा क्यों खास है कि जो इसको सबसे अलग बनाती है। तो सबसे पहले दोस्तों इसकी बिल्ट क्वालिटी को देखिए, जो कि इसको सबसे प्रीमियम बनाती है। एंड्रॉयड फ़ोन इसके तो आसपास कोई है भी नहीं है, वो तो आपको पता ही लग गया होगा वीडियो की। इसकी लुक है, कंफर्टेबल है, स्मॉल साइज़ है, और पॉकेट में भी आसानी से आ जाता है। और दूसरा जो सबसे इसका खास पॉइंट है वो है इसकी क्वालिटी। एप्पल इसकी क्वालिटी जो प्रोवाइड करता है वो एंड्रॉयड फ़ोन कोई भी नहीं प्रोवाइड करता होगा, खासकर तो इसका जो प्रोसेसर है। अब प्रोसेसर को ही ले लेते हैं, तो इसमें A10 बायोनिक चिप लगी हुई है, और एंड्रॉयड का जो 700+ जो भी स्नैपड्रैगन प्रोसेसर होगा उसको ही फेल कर देगा। जो एप्पल इसको बोलता है कि भाई ये इसके अंदर क्वालिटी है, वो ओरिजिनल क्वालिटी है। ऐसा नहीं कि भाई एंड्रॉयड की तरह ये फेक क्वालिटी में 64 का मेगापिक्सल कैमरा दे दिया और 12 की टक्कर के निकले हो। इसका 12 का कैमरा और उसका 64 मेगापिक्सल कैमरा, समझो एक कैमरा है। अब यहीं से अंदाज़ा लगा लो कि एप्पल क्या क्वालिटी प्रोवाइड करता है। वीडियो रिकॉर्डिंग HD4K सपोर्ट करता है, क्योंकि इसमें मैंने ना काफ़ी सब मैंने आपको बता देता हूँ इसमें मैंने बहुत सारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर रखी हैं, आपको पहले मैं बता देता हूँ कितनी एप्लीकेशन हैं। तो आप देख रहे हैं 52 अब करंट में एप्लीकेशन है, और मेरा ये 32 GB स्टोरेज था जब मैंने लिया था ना, तब मैंने 32 GB का 31 GB इसमें फिल कर दिया था पूरा। और जैसे स्मूथ चल रहा है, आज चल रहा है, जैसे चल रहा है, जो भी कुछ भी ऐप खोलता हूँ बहुत ही फास्ट है। कुछ भी एप्लीकेशन आपको रिसेंट में भी दिखा देता हूँ मैंने कितनी खोली हुई है, बहुत सारी है, और चलने में कोई भी हैंगिंग प्रॉब्लम ऐसा नहीं है कि भी जैसे कुछ एप्लीकेशन खोली और हैंगिंग प्रॉब्लम शुरू होगी, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है। मैंने इसमें 80+ ऐप डाउनलोड की थी, 31 GB जब मैंने इसको फिल किया था तब भी वैसा चल रहा था जैसे ये 32 GB अगर खाली कर देते हैं इसको, वैसे के वैसे। इसमें कोई परफॉर्मेंस में फ़र्क नहीं पड़ता है, कोई कुछ नहीं फ़र्क पड़ता है। तो ये इसको सबसे प्रीमियम बनाती है सेट को।
इसलिए लोग इसको इसलिए भी लाइक करते हैं। और उसके बाद जो इसको सबसे अलग बनाती है वो है इसकी सिक्योरिटी। सिक्योरिटी इसका सबसे मेन रीज़न है जो इस एप्पल को सबसे अलग बनाती है। क्योंकि अगर आप जैसे मान लो आप अगर लॉक लगा दिया ना, जैसे अब तो मैंने लॉक पता है, अब जैसे लॉक लगा दिया मैंने और अब लॉक ओपन करेंगे तो कोई भी अगर इस लॉक को तोड़ देना तो एप्पल उसको इनाम भी देगा इस चीज़ में। तो ऐसा एक केस अभी वहाँ हुआ है, अब जैसे मैंने लॉक लगा दिया तो ट्राई अगेन आ गया 1 मिनट का, अगर और भी मैं ट्राई करूँगा तो 5 मिनट आ जाएगा, उसके बाद और ट्राई करूँगा तो आधा घंटा, उसके बाद फिर रॉन्ग ट्राई करूँगा तो 1 घंटा, उससे पहले हम लॉक नहीं खोल सकते। अब मैं भी अपना पासवर्ड नहीं लगा सकता। तो अभी जो मैं बता रहा था आपको, एक केस हुआ था अमेरिका में, जैसे हमारे यहाँ CBI की टीम है तो वैसे ही अमेरिका में एक FBI की टीम है। वो FBI ने क्या किया था, उसने किसी का फ़ोन मिला था, आईफोन जो उन्होंने केस पकड़ा हुआ था किसी, तो उन्होंने एप्पल से भी रिक्वेस्ट की कि भाई आप इस फ़ोन का लॉक खोल दो। यानी कि इतना अंदाज़ा लगा लो FBI की टीम से अगर वो फोन का लॉक नहीं खोला ना तो समझ लो एप्पल के लॉक में कितनी पावर है, इसकी सिक्योरिटी में कितनी पावर है। इस करके को आप देख लेना, जो मैक्सिमम सेलिब्रिटी होंगी वो आईफोन को ही लेना पसंद करेंगी। तो इन काफ़ी रीज़नों की वजह से एप्पल सबसे प्रीमियम है। अब देखो 1 मिनट हो गया इसको, अब मैं लॉक खोल सकता हूँ और ये मैंने लॉक ओपन कर लिया। ये इसका बहुत बड़ा रीज़न है। उसके बाद लॉक पैटर्न भी दिखाएगा अगर हमने 1-2-3 बार इसको रॉन्ग ट्राई भी कर लिया। इसको लॉन्ग टर्म के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमने कल कोई एंड्रॉयड फ़ोन ले लिया 10-15 हज़ार रुपये का और उसको हम 1 साल बाद देखेंगे ना तो उसको चलाने में वो फील नहीं आएगा कि भाई हाँ ये सबसे डिफरेंट है या क्या है। तो और परफॉर्मेंस जो उसकी रहेगी वो भी बहुत स्लो हो जाएगी। और आप अगर इन आईफोन को लेते हो, कोई सा भी मॉडल लेते हो, तो इसको लॉन्ग टर्म तक बंदा यूज़ कर सकता है बिना कोई परेशानी के। एक और दोस्तों जो इसमें सबसे मेन फीचर है 3D टच। आजकल 6 से ऊपर सब में आ गया 3D टच। इसमें हल्का सा टच करो कोई भी ऐप, यहाँ से ऑप्शन निकल जाते हैं इसका। और जैसे ही हम इसका सबसे बड़ा फीचर है स्लाइड से ही हम रिसेंट देख सकते हैं, ऐसे प्रेस करके यहाँ से स्लाइड कर जितनी भी ऐप हैं ऐसे कर सकते हैं। पहले डबल होम क्लिक करना पड़ता था लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। अब जैसे हमने कोई ऐप खोल लेगी है और मैंने प्रीवियस ऐप पर जाना है तो स्लाइड हल्का सा करो, यहाँ करो स्लाइड कर दो पूरी यानी इस किनारे तक तो ये दूसरी साइड खुल जाएगी। अब जैसे मैंने पहले सफारी खोला था, अब मैंने फिर सफारी खोलना तो ये सफारी खुल गया। अब मैंने जैसे पहले दूसरी ऐप खोली थी अब ये खुल गया सर्च का। तो ये सबसे बहुत प्रीमियम चीज़ें होती हैं जो और किसी एंड्रॉयड में तो शायद मुश्किल देखने को मिलेगी। तो ये बहुत सारी ऐप थे आपको देखिए, अभी मैंने फ़ोन यूज़ किया, परफॉर्मेंस यूज़ करी तो उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई, ना कोई हैंग हुआ जब से मैं आपके सामने ये फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ। फीचर इसके बहुत सारे हैं तो ऐसे अगर ऐसे फ़ीचर मैं काउंट करवाने लग जाऊँ तो इसके बहुत सारे फ़ीचर निकल जाएंगे। अगर किसी को अलग से कोई फ़ीचर चाहिए कि मैंने ये चीज़ करना है ये करना है तो वो मेरे को कमेंट में करके बता सकता है कि कौन सा फ़ीचर आपको ज़्यादा पसंद है, या कुछ ऐसा चीज़ जो आपको नहीं पता वो पूछ सकता कमेंट करके। तो ये थी दोस्तों आईफोन की सबसे महत्वपूर्ण जानकारी आपके साथ जो मैंने शेयर की हैं और जो मेरा एक्सपीरियंस है जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो कुछ एक्सपीरियंस ऐसा भी है जो आईफोन को सबसे बेस्ट नहीं बनाता, वो है इसकी बैटरी लाइफ। तो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि सारे मॉडल आईफोन के बैटरी लाइफ नहीं है, कुछ ही मॉडल ऐसे हैं जिनमें बैटरी लाइफ नहीं है। वो कौन से मॉडल हैं, 5S, SC, 6, 6S और 7 और 8। बाकी आप कोई सा मॉडल लोगे, 7 प्लस लोगे, 8 प्लस लोगे, 6S प्लस लोगे, या फिर XR से आप स्टार्ट करना शुरू कर दोगे, XR, XS या फिर प्रो, 11 प्रो मैक्स है, उनके तो बैटरी एक नंबर की है। बाकी एंड्रॉयड की अगर 5000 के MAH की बैटरी लोगे तो उनकी बराबरी की वो आईफोन की बैटरी है। तो इनकी कुछ बैटरी है, इनकी छोटी बैटरी है 1960 MAH आईफोन 7 की है, तो 6 की है 1860 के MAH की बैटरी है। तो ये बैटरी इतना प्रोवाइड कर सकते हैं कि जैसे आप स्टैंड ऑन पे रखते हो फ़ोन को, स्टैंड बाई मोड में रखते हो, सिर्फ आपने कॉल अटेंड करनी है तो एक दिन पूरा निकाल देगा या 2 दिन भी निकाल देगा। आप नेट यूज़ करना चाहते हो तो नेट में आपकी बहुत ही बैटरी ज़्यादा खर्च होगी, 4 से 5 घंटे मैक्सिमम निकाल पाएगा 4G नेटवर्क पे। तो दोस्तों यही थी मेरी महत्वपूर्ण जानकारियाँ जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मैं एंड्रॉयड के बारे में लेके आऊँगा, पता लगेगा कि भी उसमें और क्या क्या प्रॉब्लम है एंड्रॉयड में और क्या क्या अच्छी बातें हैं। तो सभी की अच्छी बातें भी होती है और प्रॉब्लम भी होती है सभी की, तो ये तो है कि भी कोई 100% सही भी होता है। तो ऐसे ऐसी जानकारियों के लिए मेरे साथ बने रहें। मैं आपका MS जामरा, बाय।